जनिया गांव के शिवाला जल ढार ली हो रनिया बोला कि नहीं संखा बोला हाँ तो सुनी ना मालिक का इसका मालिक है दुकानदार नहीं कहाँ गया नहीं पता सुना है बाबू इसमें कितना का सामान मिलता है 20 रुपया कोई भी सामान में 20 रुपया हाँ मान ले तुमको 5 रुपया कम रहेगा तो दुकानदार देगा कि ना देगा नहीं नहीं देगा नहीं लग रहा है दुकानदार बहुत चंडाल होगा बच्चा के 5 रुपया कम रहेगा तो माल नहीं देगा मतलब सामान नहीं देने वाला है बच्चा खुद अपने मुंह से बोले ये मतलब ये सब सामान का क्या रेट है ये सब 30 रुपया 40 रुपया का है तो आप लोग देख सकते हैं कि सस्ते से सस्ता में दुकान में मतलब आए हुए थे इतना 12 गाड़ी मिल रहा है आपको 30 रुपया में मतलब मालिक लग रहा है यही है आप लोग दुकान चिन्ह लीजिए 30 रुपया बोला है गाड़ी का मतलब कोई भी सामान लीजिए 30 रुपया 30 रुपया सब अलग अलग दाम है अलग अलग दाम का है तो मतलब बोल रहा है कि सब अलग अलग दाम है आप लोग देख सकते हैं कि मतलब कोई भी सामान लीजिए मतलब फुटबॉल लीजिए तो कितने का है 10 रुपया आप लोग देख सकते हैं कि फुटबॉल का दाम 10 रुपया बता रहे हैं आप लोग आइए मंदिर के पीछे दुकान है और 10 रुपया में फुटबॉल ले जाइए ना भैया हो जाएगा ना 10 रुपया लड़का है बढ़िया से चिन्ह लीजिए तो मेला के बारे में कुछ कहिए मेला की उम्र क्या स्थिति क्या है मेला की स्थिति क्या है 10 बज गया अभी तो कोई पब्लिक नहीं है 10 नहीं बजा मतलब कि 9 बज गया अभी तक भीड़ मेला में नहीं लगा है आप लोग देख सकते हैं कि मतलब भीड़ लगाए हुए मतलब देखने के लिए मेला भीड़ है लेकिन मेला में पैसा लेके कोई लेकर नहीं आया कि सामान सुना सुना लग रहा है अब जमने वाला है थोड़ा देर में तो चलिए बाबू का कहना है कि मेला में बहुत सारा गर्मी है मतलब कि मेला में थोड़ा सा मतलब कि भीड़ नहीं है तो भीड़ लगने वाला है 10 बजे के बाद ऑनर होटल के ऑनर से छना रहा मतलब कुछ नहीं चल रहा है मेला में 11-12 बजे से इसमें काफी भीड़ हो जाएगी तो भैया का नाम है कि 1 घंटा बाद काफी भीड़ हो जाएगी मतलब भैया फिर से बोलिए क्या बोल पहले तो बहुत देते हैं बोलिए ऐसे इसमें अभी भीड़ नहीं हो रहा है 12 बजे के बाद इसमें बहुत काफी भीड़ हो जाएगी भैया लग रहा है कॉमेडियल आदमी है भैया कुछ लगा बजा के बोल रहे हैं चलिए आ जाइए तो एक भैया और है दुकान के अंदर बताइए भैया क्या चीज बोले मतलब मेला के क्या 1 घंटे के बाद मालूम चलेगा अभी उतना नहीं 1 घंटे बाद मतलब कि आप लोग देख सकते हैं कि 10 बज गया ये सब जो है 15 रुपया का देखिए इतना बड़ा बड़ा सूखा हुआ है जो 15 का है ये सब पर्स जो है ना बाजार में मिलता है 25-30 या 15 में मिलता है मेला में तो भैया का नाम है कि बाजार में मिलेगा 25-30 और मेला में मिलेगा 15 में जी बताइए बाल्टी उल्टी कितना का है घड़ी कितना का है ये बाल्टी का 50 रुपया का आप लोग देख सकते हैं कि बाल्टी 50 रुपया में बेच रहा है भैया के अपना मतलब अपना बनता है जी आपको बुद्धपुर बाजार में कारखाना है इसका तो बुद्धपुर बाजार में इसका कारखाना आप लोग देख सकते हैं मतलब 50 रुपया का जी जी मतलब कोई भी लीजिए 50 रुपया हाँ इधर की इधर सब 50 का ये सब घड़ी लीजिए 50 का मतलब घड़ी उड़ी कुछ भी लीजिए 50 हाँ ये सब 50 है वो सब 30 का आई करता क्या हाथी वो तो 60 रुपये का आएगा हाथ लीजिए 60 रुपये जी अच्छा दिल 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 बताइए दिल ये सब 60 का ही तो 60 का ही मतलब कोई भी 60 हाँ ये सब टाइडी में सब 60 का है अरे बड़का गमला कितना का ही तो 50 रुपये का लग रहा है 15 रुपया इतना सस्ता हाँ आप लोग देख सकते हैं कि इतना सस्ता मिल रहा है यानी 15 रुपया मिल रहा है ये गमला आप लोग ले सकते हैं मतलब 15 रुपया मतलब की मिल रहा है मस्त गमला है और बताइए भैया मतलब कि और कोई बढ़िया सामान सस्ता है 15 15 का 50 ये दुलची कितना का है दुलची 15 रुपये का तो बाबू आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ बोल रहा है मतलब कि 15 रुपया बुआ बोल रहा है 15 रुपया कितना में देता बुआ 20 रुपया तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि एक भैया और मार्केट में भेटा गया तो भैया मेला की स्थिति हमने कैसे बेराम गड़बड़ है मतलब मेला की स्थिति गड़बड़ है हाँ मेला कहाँ चल रहा है मतलब मेला कै बजे से भीड़ लगेगा मेला वही 10-12 बजे से
तो 10-12 बजे से भीड़ लगने वाला है, तो भैया मतलब क्या आप यहाँ पर दुकान खोले हुए? नहीं नहीं, काम करने आए हैं। तो भैया आप दुकान नहीं खोले हुए मतलब कि काम करने आए हैं, तो भैया मतलब कि आपका क्या चीज का दुकान है? जिलेबी के दुकान में काम करने आए हैं। अच्छा, जिलेबी फरी के दुकान में आप काम करने आए? जी हाँ हाँ। चलिए तो भैया को धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबू जरा बोलो दोस्त, मेला के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, तो मेला का मतलब भीड़ भड़क का लाएगा कि ना लाएगा? अभी नहीं, 12-1 बजे से लाएगा। तो चलिए मेरा दोस्त।